सो हाय गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पास्ट पेजेस स्टोरीज बाय हरीश। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा वीएफएस के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपको बनाना है वीडियो में एंड तक, बिना किस टाइम को वेस्ट किए टेक ऑफ करते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे सेफ होंगे। तो गाइस, कनाडा वीएफएस के रिगार्डिंग काफ़ी सारे सवाल आए हैं कि सर कनाडा वीएफएस कब ओपन होगा, कब वहाँ बायोमेट्रिक स्टार्ट होंगे, कब वहाँ की पासपोर्ट पासबैक सर्विसेज स्टार्ट होंगी, या जो भी सर्विसेज है वो कब स्टार्ट होगी कनाडा वीएफएस से रिगार्डिंग। सो गाइस, ये जो आज का वीडियो है उसी के ऊपर है क्योंकि मैंने जो ट्विटर है मेरा वहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था और मेरे को कनाडा इन इंडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहाँ पे एक ट्वीट पढ़ने को या देखने को मिला जो मैं आपको अभी पढ़ के सुनाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। तो चलो सीधे चलते हैं ट्विटर के अंदर। तो गाइस, अगर आप देख पा रहे हो तो ये कनाडा इन इंडिया का ऑफिशियल हैंडल और ये चल रहा है हमारा ट्विटर। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, प्लीज़ नोट दैट ऑल वीएससी अक्रॉस इंडिया विल रिमेन क्लोज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। मतलब इस मंथ में तो सारी सुविधाएं बंद रहेगी। द हाई कमीशन ऑफ कनाडा इज वर्किंग हार्ड टू रिव्यू ऑप्शंस फॉर रीओपनिंग इन सेप्टेम्बर। तो गाइस, मेरे हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि सितंबर में कनाडा के वीएफएस सेंटर इंडिया में भी ओपन हो जाएंगे। तो गाइस, कई लोगों का इंतज़ार यहाँ ख़त्म होता है इस मंथ के ख़त्म होते ही। जैसे अगस्त ख़त्म होगा, आप लोगों में से कईयों का इंतज़ार तो ख़त्म हो जाएगा जो कनाडा के वीज़ा को अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो किसी तरह का वीज़ा हो, चाहे स्टूडेंट वीज़ा में आपको फाइल लगानी है, चाहे वर्क वीज़ा में आपको फाइल लगानी है, चाहे रेजिडेंट वीज़ा में फाइल लगानी है, किसी प्रकार के वीज़ा में आपको फाइल लगानी है तो आप सितंबर से लगा पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि बायोमेट्रिक्स भी बहुत जल्दी चालू होंगे उसके बाद। और अगर बात करें वीएफएस सेंटर की, तो गाइस अभी तक जो मुझे देखने को मिला है, जितनी कंट्री के स्टार्ट हुए हैं रीओपन हुए हैं, तो वो चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, इन सिटीज़ के अंदर ज़्यादातर हुए हैं। चंडीगढ़ के अंदर भी ऑप्शंस हैं। लेकिन गाइस, जब ये इन्फॉर्मेशन एकदम ऑथेंटिकेट आएगी ना कि खुल गए हैं, तो आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर आएगा हमारी तरफ से। तो गाइस, ये तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी जो कनाडा इन इंडिया के ऑफिशियल पेज पे इन्होंने डाली है। तो काफ़ी खुशी हुई पढ़कर, और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कनाडा के वीएफएस सेंटर उम्मीद है सितंबर से ओपन हो जाएंगे और कई लोगों का इंतजार भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा बात करें, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया होगा इस कनाडा की फ्लाइट्स के ऊपर था कि आप अब फ्लाइट्स में भी इंडिया टू कनाडा फ्लाइट चल रही है एयर बबल के थ्रू, एयर बबल एग्रीमेंट के थ्रू, उसमें भी आप बोर्ड कर सकते हैं। किन किन कैटेगरीज में आप आते हैं उस पर डिपेंड करता है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। उसमें मैंने बताया कि फ़्लाइट्स टू कनाडा जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं 15 अगस्त से, जो मेनली एयर कनाडा के जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट करेंगी। और गाइज, इसके अलावा बात करें अदर कंट्रीज़ की, तो काफ़ी अदर कंट्रीज़ के वीएफएस सेंटर भी ओपन हो चुके हैं, उसकी वीडियोज़ मैंने बना दिए हैं। जैसे कि अपन बात कर लें मलेशिया की, स्विट्ज़रलैंड की, लग्जमबर्ग की, डेनमार्क की, यूके की। ये तो थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा ट्वीट। जब ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेट होगी और जब वीएफएस सेंटर ओपन हो जाए कनाडा की, तब आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो जरूर हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कर देना आप चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। मिलेंगे ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।